दोस्तों, मैं अमरजीत, ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। ब्रॉडवे की तरफ से हमने स्टार्ट किया ए टू ई एकेडमी, जो आपको आईएलटीएस कोचिंग देगी घर बैठे। सो आपको कहीं ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है। टीचर वन टू वन आपके साथ लाइव बैठेंगे, आपके क्वेश्चन, डाउट्स, कंफ्यूजन और प्लस द ट्रेनिंग वो आपको घर पे प्रोवाइड की जाएगी। इमीडिएटली रजिस्टर्ड करें दिए गए नंबर पे 9216780780। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एन ऑफिशियल चैनल ऑफ ब्रॉडवे टू ई एकेडमी। माय अपेलेशन इज दीपाली एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज गिवन बाय आईडीपी। सो आईडीपी ने बहुत बड़ा एक ब्रेकिंग न्यूज दिया है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने आईएलटीएस एग्जाम देना है या जो सोच रहे हैं आईएलटीएस एग्जाम देने के लिए। लेकिन अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने बाकी फ्रेंड्स को भी रेकमेंड कीजिए चैनल को। एंड तो अगर हम बात करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की, जैसे कि आपको पता है कि जितने भी प्लस टू वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बैंड स्कोर की रिक्वायरमेंट है कि आपको ओवरऑल 6 बैंड तो चाहिए ही चाहिए। नॉट ओवरऑल 6 बैंड, बल्कि ईच मॉड्यूल नॉट लेस देन 6 होने चाहिए, किसी में भी 6 बैंड से कम नहीं स्कोर होना चाहिए। लेकिन जो अभी चेंजेस हुए हैं, तो अगर हम चेंजेस की बात करें, चेंजेस ये आया है कि आपको ओवरऑल 6 बैंड स्कोर चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी मॉड्यूल। चाहे आपके किसी भी मॉड्यूल में कोई भी बैंड स्कोर कम है, लेकिन अगर आपके ओवरऑल 6 बैंड स्कोर हैं सो आप इजीली अपनी फाइल को प्रोसेस करवा सकते हैं, आपकी फाइलिंग हो सकती है। लेकिन ये जो रूल्स हैं वो मिड ऑफ अगस्त से स्टार्ट होंगे, इसी 2023 में आपके मिड अगस्त के बाद आपके ये रूल्स इंप्लीमेंट हो जाएंगे। और अगर हम दूसरी और जर्नल ट्रेनिंग की बात करें, अगर जर्नल ट्रेनिंग में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और अगर आप वर्क परमिट पे स्पेशली अपनी फाइल अप्लाई करना चाहते हैं सो आपके ईच मॉड्यूल 6 बैंड एटलीस्ट होने चाहिए। और इसके साथ एक छोटा सा ऑल्टरनेटिव भी एसोसिएटेड है पीटीई के लिए। अगर आप पीटीई की प्रिपरेशन कर रहे हैं सो अकॉर्डिंग टू 6 बैंड स्कोर आपके जो बैंड स्कोर जो हैं, नंबर हैं आपके पीटीई में, वो फ्रॉम 55 ऑनवर्ड्स होने चाहिए। यानी कि अगर आपके 55 टू 60 के बीच में नंबर्स हैं तो आप इजीली अपनी फाइल कनाडा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी ओर अगर आप सेल्पेप की तैयारी कर रहे हैं सो सेल्पेप में आपके मिनिमम बैंड रिक्वायरमेंट है 7, एटलीस्ट 7 बैंड स्कोर आपका होना ही चाहिए। सो ये, लेकिन मैं दोबारा से फिर आपको ये चीज़ को रेकमेंड कर रही हूँ कि ये जो आपके जितने भी चेंजेस हैं वो आफ्टर मिड ऑफ अगस्त इम्प्लीमेंट ही होंगे। सो आप ये जो न्यूज़ है वो जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाइए सो दैट वो भी अपने बाहर जाने का सपना पूरा कर सकें और अपने बैंड स्कोर अचीव कर सकें। थैंक यू। दोस्तों, मैं अमरजीत, ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। ब्रॉडवे की तरफ से हमने स्टार्ट किया ए टू ई एकेडमी, जो आपको आईएलटीएस कोचिंग देगी घर बैठे। सो आपको कहीं ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है। टीचर वन टू वन आपके साथ लाइव बैठेंगे, आपके क्वेश्चन, डाउट्स, कंफ्यूजन और प्लस द ट्रेनिंग वो आपको घर पे प्रोवाइड की जाएगी। इमीडिएटली रजिस्टर्ड करें दिए गए नंबर पे 9216780780। थैंक यू।